बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। यूपी के लोगों को प्रियंका गांधी ने लिखा खत, कहा यूपी की राजनीति बदलने की जरूरत। लोकसभा चुनाव, बीजेपी का फैसला, नेता अफसर के परिजनों को नहीं देगी टिकट। शादी के कार्ड पर मोदी को वोट देने की अपील की थी, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर है और यहां उन्होंने रविवार को कांग्रेस ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक खुला खत लिखा है। इस खत में उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही के रूप में मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने की है। इस पत्र में उन्होंने यूपी के लोगों से कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुझे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरा नाता बहुत पुराना है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव में किसी केंद्रीय व प्रदेश के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, पूर्व सांसद या बड़े अफसर की नजदीकी परिजनों को प्रत्याशी न बनने की नीति बनाई है। यह फैसला टिकट वितरण में परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नजदीकी परिजनों में मंत्री, अफसर व पदाधिकारियों के बेटे, बेटी, भाई, बहन या फिर पति पत्नी को टिकट न देने का मानक तय किया है। जोशीखोला गांव के गरुड़ ब्लॉक में गौशाला चलाने वाले जगदीश चंद्र जोशी ने अपने बेटे की शादी में कार्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए अपील की। इसके बाद चुनाव आयोग से इसे आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में शनिवार को नोटिस भेज दिया। जगदीश ने शादी के कार्ड पर छपवाया था, तोहफा मत लाना, किंतु वर वधु को आशीर्वाद देने से पहले 11 अप्रैल को राष्ट्रहित में मोदी जी को वोट जरूर कराना। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।